American history has gone down as the father of this new form of children's programming, which made the American people change their production. He revolutionized it. He was a genius. इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसे फादर ऑफ एनिमे एंड मांगा कहा जाता है, एंड इट्स नॉट मियाज़ाकी, तोरियामा और ओडा। इस शख्स का नाम है ओसामू तेज़ुका। ऑल्दो एनिमेशन एंड मांगा ओसामू तेज़ुका के करियर से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज एनिमे एंड मांगा जिस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, पॉपुलर हैं, जिसके लिए लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, उसकी फाउंडेशन तेज़ुका ने खड़ी की है। अराउंड 1945 केवल 17 साल की उम्र से ही उन्होंने मांगा पब्लिश करना शुरू कर दिया था, और अपने 40 से 45 साल के करियर में उन्होंने 700 से भी ज्यादा मांगा वॉल्यूम्स पब्लिश की हैं, कंटेनिंग 1,50,000 पेजेस। कैन यू इमेजिन 700? जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, हमने अपने पूरे यूट्यूब करियर में इसकी आधी वीडियोस भी नहीं बनाई है। उनके बहुत से वर्क्स को एनिमे में भी अडैप्ट किया गया, जो फ्यू ऑफ द फर्स्ट एनिमे बने, नॉट द फर्स्ट एनिमेशन फ्रॉम जापान, बट फर्स्ट प्रॉपर एनिमे, या मैं कहूं पहला शोनन एनिमे, एस्ट्रो बॉय। एस्ट्रो बॉय को पहली बार माइटी एटम नाम की एक मांगा में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से उसको एक अलग सीरीज दे दी गई, काइंड ऑफ लाइक माइटी राजू। बट द डिफरेंस इज एस्ट्रो बॉय वाज अ कल्चरल एंड ग्लोबल फिनोमेनन। इट प्रीटी मच डिफाइंड द टर्म एनिमे फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड पेव्ड द पाथ फॉर शोनन्स लाइक ड्रैगन बॉल, नारुतो एंड वन पीस। करीब 20 साल बाद तेज़ुका ने यंग ऑडियंस से अपना फोकस चेंज करके मैच्योर थीम्स पर शिफ्ट किया अंडर व्हाट इज टर्म्ड एज द गेकिगा मूवमेंट। 1960s एंड 70s में अडल्ट ओरिएंटेड मटेरियल प्रोड्यूस किया जाने लगा, जिसमें रियलिज्म, मैच्योर थीम्स, डेथ, ट्रॉमा एंड यू नो सच थिंग्स वर डिपिक्टेड, बेसिकली ह्यूमन नेचर इन इट्स अनफिल्टर्ड फॉर्म। इस पीरियड में तेज़ुका ने बहुत सारे मास्टरपीसेस एंड क्लासिक वर्क्स प्रोड्यूस किए, जैसे आयाको, ब्लैक जैक, बुद्धा, डोरोरो एंड ऑल्सो व्हाट इज नोन एज हिज लाइफ्स वर्क, फीनिक्स। ऑल्दो उनके मोस्ट सक्सेसफुल एंड बेस्ट सेलिंग वर्क्स एस्ट्रो बॉय एंड ब्लैक जैक हैं, लेकिन वो खुद ये चाहते थे कि उनके काम को फीनिक्स से जाना जाए। मे बी इट वॉज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, बॉर्न आफ्टर मास्टरिंग हिज स्किल्स इन स्टोरी टेलिंग, अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग ही प्रोड्यूस्ड एंड लर्न्ड। और स्टूडियो 4 डिग्री सेल्सियस ने इसी की एक स्टोरी को अडेप्ट किया है इन अ 4 एपिसोड मिनी सीरीज कॉल्ड फीनिक्स ईडन 17। फीनिक्स एक काल्पनिक चिड़िया है जिसका कई कल्चर्स में मेंशन है। माना जाता है कि ये चिड़िया जब मरती है तो जल के भस्म हो जाती है, और फिर अपनी ही राख से इसे नया जन्म मिलता है, और ऑब्वियसली ये मान्यता है सच नहीं। व्हाट इट सिंबलाइजेस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट। तेज़ुका एक्सप्लोर्ड फिलोसॉफिकल थीम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रीइंकार्नेशन इन डेप्थ बाय डिपिक्टिंग स्टोरीज डेवलप्ड अराउंड फीनिक्स, एन इमॉर्टल लाइफ फॉर्म बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इस मांगा की अलग अलग आर्क्स टाइम एंड स्पेस के अलग अलग कॉर्नर्स में सेट हैं, और एक कॉमन लिंक है फीनिक्स। लोग इसे ढूंढना चाहते हैं अपने अपने रीजंस की वजह से, बट जो सबसे प्रोमिनेंट रीजन है वो है इसका खून, जिसे पीने से आप अमर हो सकते हैं। इस मांगा में 12 वॉल्यूम्स हैं, हर वॉल्यूम में एक आर्क है, और हर आर्क एक डिफरेंट टाइम पीरियड में सेट है और अलग थीम्स एंड स्टोरीज को टैकल करती है। एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न जापान और माइथोलॉजी से लेकर डिस्टेंट फ्यूचर एंड साइंस फिक्शन तक यहाँ सब कुछ है। इनमें ही कहीं एक आर्क है नॉस्टैल्जिया, जिस पर ईडन 17 बेस्ड है। डायरेक्टेड बाय शोजिरो निशिमी, हु इज नोन फॉर अकीरा, टेकन किनक्रीट एंड मेनी अदर डीसी प्रोजेक्ट्स, दिस मिनी सीरीज फॉलोज टू पीपल, रोमी एंड जॉर्ज, जो स्पेस में भटक रहे हैं। पृथ्वी अब जीने लायक नहीं है, तो स्पेस एक्सप्लोरर्स ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं जहां पर जीवन बच सके। वो दोनों एक प्लैनेट पर लैंड करते हैं जहां वो एटलीस्ट सांस ले सकें। यहां पर पानी और अदर रिसोर्सेज स्कार्स हैं बट प्रेजेंट हैं। वो लोग इस प्लैनेट को नाम देते हैं ईडन, जो डायरेक्टली बाइबल से लिया गया है, लैंड ऑफ ईडन, लैंड ऑफ गॉड और पैराडाइस। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाइबल को रेफरेंस करती हैं या फिर उसकी थीम से पैरेलल ड्रॉ करती हैं, तो अगर तुमको बाइबल एंड उसकी थीम्स का आइडिया है तो तुमको इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा। सो दो लोग, एक प्लैनेट, यू नो व्हाट इट मींस, राइट? नॉटी यूरा के पर ये तो फिर भी ठीक था, एडम एंड ईव एंड उनसे जन्मे कुछ जीव। पर प्रॉब्लम तब आती है जब जॉर्ज रोमी को प्रेग्नेंट करके खुद स्वर्ग से धार जाता है, एंड उसके बाद रोमी को एक लड़का होता है। एंड हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो, और अगर तुम वो नहीं सोच रहे हो तो मैं भी वो नहीं सोच रहा हूँ, गंदे लोगों। पर फिर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, रोमी को किसी वजह से हाइबरनेशन बोलेंगे, इज इट प्रिजर्वेशन, खैर रोमी गलती से 1300 सालों के लिए एक मशीन में प्रिजर्व हो जाती है, एंड अब उसका बेटा अकेला है। सो नाउ दे कैन नॉट रीपॉपुलेट दिस प्लैनेट। आई वाजंट होपिंग फॉर दैट टू हैपन, बट नाउ दे रियली कांट।
And this is where I noticed the first prominent theme of this show, loneliness. Imagine करो तुम अकेले हो हमेशा के लिए. Imagine करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास दूसरा कोई नहीं है. भैया introverts का तो मजा आ गया. अबे जब ये choice से होता है तो तुम कभी भी return कर सकते हो. You just need your recharging, not complete isolation. No one wants to be really alone. पर जब तुम अपनी choice की वजह से नहीं बल्कि circumstances की वजह से अकेले होते हो, तब तुम्हें होता है अपनी लाचारी का एहसास. एक पूरे प्लेनेट पर तुम अकेले हो. द पर्पसलेसनेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस स्टार्ट्स शोइंग. यू थिंक देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ. पर तभी एक एलियन लाइफ फॉर्म वहां पर आ जाती है, टेक्स द फॉर्म ऑफ द ओनली फीमेल यू नो एंड यू बैंग हर, रीपॉपुलेट द प्लेनेट एंड एंड योर लोनलीनेस. प्रीटी फक्ड अप राइट? आई एम ग्लैड इट हैपेंड ऑफ स्क्रीन. 1300 साल बाद रोमी उठती है एंड नाउ देयर इज नो वन जिसको वो अपना कह सके. कोई एक्चुअल फ्रेंड्स नहीं, कोई पास नहीं, कोई फैमिली नहीं. ये कुछ सेमी एलियन सेमी ह्यूमंस हैं जो उसको अपनी रानी समझते हैं, उसको सर्व करना चाहते हैं. बट लाइफ इज अ हेवन हियर. यहाँ लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और एक सिंपल जिंदगी जीते हैं. ऑनेस्ट, लविंग एंड काइंड. इट इज रियली द गार्डन ऑफ ईडन. बट इवन दिस पैराडाइज इज नॉट एबल टू फिल हर हार्ट कम्प्लीटली. शी लॉन्ग्स फॉर अ होम. शी लॉन्ग्स फॉर एनीथिंग दैट इज फेमिलियर, इवन इफ इट मीन्स होल्डिंग on to the fleeting memories of earth. So she along with a kid and an ark go on a journey to find earth, to fulfill Rumi's longing to see the beauty of earth once again, even if it is just for one day and one last time, which leads to the destruction of what she longed for and what she had. Eden was infiltrated by a devil. Ye longing, ye nostalgia ka delusion, main chahta hu tum khud witness karo. Isliye main zyada details ya spoiler mein nahi jana cha raha hu, although maine kafi kuch still bata diya hai, but you are yet to actually feel and witness it. Space stories are often about looking for a home, exploring the unknown and often have the theme of loneliness. लेकिन आई थिंक एनिमे ने इस चीज को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया है. मुझे रिसेंटली एक जैपनीज कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला जिसका नाम है मा, जो बेसिकली होता है स्पेस, नथिंगनेस, गैप या फिर पॉज, ठंडी हवा, घास, खुला आसमान, कुछ भी हो सकता है, पर ये एक ठहराव लेकर आता है. ये बस होता है. इसके होने ना होने से नैरेटिव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके होने से एक रियलिटी ऐड होती है, तुम फील कर पाते हो. ऐसे मोमेंट्स तुमने जिबली की मूवीज में काफी देखे होंगे. इट इज हिप्नोटाइजिंग. इट लेट्स यू एक्चुअली लिव इन दैट मोमेंट. और उसी तरह से ईडन 17 में भी स्पेस वॉयजर्स के अकेलेपन को इस एनिमे में जितने अच्छे से कैप्चर किया गया है, इट वॉज सो हिप्नोटाइजिंग फॉर मी. आई कुड फील इट इवन व्हेन एनिमे वाजंट ट्राइंग टू थ्रो इट एट माय फेस. तो ये था एक क्लासिक वर्क का एनिमे अडेप्टेशन. अगर तुम ओसामु तेजुका के वर्क से फेमिलियर नहीं हो तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है फादर ऑफ एनिमे से फेमिलियर होने का. फिलहाल आज के लिए इतना ही. अगर ऐसी ही और चीजों के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब टू एनिमे टीएम, द प्लेस वेयर एनिमे इज डिस्कस्ड इन डेप्थ एंड डिटेल एंड नॉट जस्ट शोनन. बाय.